और बड़ी खबर बड़वानी से सामने आ रही है, जहां जिला मुख्यालय के झंडा चौक इंद्र भवन के पास खुदाई में एक तांबे की हांडी में कुल 2484 पुरातत्व जमाने के चांदी के सिक्के भरे हुए मिले हैं, जिसकी कीमत 14 लाख रुपए बताई जा रही है। बताया जाता है कि एक महीने पहले इंद्र भवन के पास मकान की खुदाई में मजदूरों को एक चांदी के सिक्के से भरा घड़ा मिला था, जिसे कैलाश धनगर ने अपने घर में छिपा कर रखा था। तो वहीं मुखबिर की सूचना पर राजेश यादव सहित पुलिस द्वारा आरोपी कैलाश धनगर से जब कड़ाई से पूछताछ की गई, तो उसने अपने घर में चांदी के सिक्कों से भरा घड़ा छुपाना बताया, जिसमें कुल 2484 चांदी के सिक्के मिले हैं। सिक्कों का वजन 27 किलो 300 ग्राम बताया जा रहा है। कोतवाली थाना क्षेत्र में झंडा चौक पर एक पुराने मकान का डिमोलिशन का कार्य चल रहा था, जिसमें ये तांबे के हांडे में चांदी के सिक्के मिलना पाया गया था। मुखबिर की सूचना पर कोतवाली की टीम द्वारा कार्रवाई की गई और उक्त व्यक्ति द्वारा ये सिक्के अपने घर में छुपा कर रखे गए थे। सख्ती से पूछताछ करने पर सिक्के बरामद हुए हैं। कुल कितने सिक्के और किस सन के हैं? लगभग 27 किलो वजनी चांदी के सिक्के हैं और ये पुरातत्वकालीन सिक्के हैं। इस पर अरबी फारसी में लेख होना पाया गया है। पहली बार ये ऐसे सिक्के संग्रहण में आए हैं? हाँ, ये पहली बार इस तरह का प्रकरण आया। इसमें कितने आरोपी हैं? इसमें एक ही आरोपी है। क्या ये बेचने की फिराक में था या बेच चुका था वो सिक्के? अभी तो इसने छिपा कर अपने घर में रखे हुए थे। आगे इसकी क्या योजना थी, उस पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं।